और भारत से एलओसी पर तनातनी के बीच पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाई है। पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के नक्शे कदम पर है। जिस तरह बीजिंग आए दिन दुनिया को दिखाने के लिए अपनी ताकत का नुमाइश करते रहता है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान अपनी ताकत दिखाने का दंभ भरते रहते हैं, उसी तरह इस्लामाबाद और पाकिस्तान सेना जोर आजमाइश में लगी हुई है। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है, जो न्यूक्लियर क्षमताओं से लैस है और जमीन से जमीन मार करने में टारगेट कर सकती है। पाकिस्तानी सेना के जवान इस मौके पर धार्मिक नारा लगाने से नहीं चूके। और एलएसी पर भारत से तनातनी के बीच चीन की नापाक चाल सामने आई है। खबर है कि ड्रैगन भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में मजबूत करने में जुट गया है। भारत को धोखा देने में चीन और पाकिस्तान दोनों मौसेरे भाई हैं। दोनों ही देश सीमा पर शांति का राग अलापते हैं, लेकिन पीठ पर खंजर घोंपने में बीजिंग और इस्लामाबाद की सोच एक ही है। अब जो चीन पर रिपोर्ट आई है, उससे एक बार फिर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पोल खुल गई है। चीन हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इंडियन ओशन में भारत का समुद्री प्रभाव कम करने के लिए साजिश में लगा हुआ है। इसके लिए ड्रैगन भारत को लद्दाख में उलझाए हुए है, ताकि भारत का पूरा ध्यान यहीं बटा रहे। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पिछले एक साल से ज्यादा से तनाव है। दोनों देश की सेना अभी भी आमने सामने है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।